की बातों के तार जुड़े हैं। आई एम नॉट रेडी से। सो क्या करना है? क्या करना है मतलब? वी कांट गो अहेड विद दिस एंड यू नो दैट मैं अभी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। सो आई थिंक वी शुड जस्ट व्हाट यू नो स्मृति, हाउ कैन यू से दैट? तुम वही वरुण हो ना जिसे ये हमेशा से चाहिए था और अब तुम कह रहे हो कि यू आर नॉट रेडी? वरुण प्लीज डोंट डू दिस विद मी। स्मृति वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना जिनमें आपको जो हमेशा से चाहिए था उसको आप सामने होते हुए भी हासिल नहीं कर पाते। वरुण और स्मृति की लाइफ में भी ऐसा एक मोड़ आया। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल से थे, अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड, एक दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फैमिली की तरफ से भी इनके रिश्ते को मंजूरी मिल चुकी थी। अब आप सोचेंगे कि जब सब इतना ही परफेक्ट था तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों? वेल, जिंदगी कभी सीधी चाल कहां चलती है? वरुण, सी, रोहिणी की चीकू का प्री बर्थडे शूट, कितनी प्यारी फोटोज है ना? स्मृति यार तुम फिर शुरू हो गई, याद नहीं है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एंड मुझे उस ट्रॉमा से फिर नहीं गुजरना, फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस, तुम ही देखो ये फोटोज। स्मृति और वरुण ऐसे तो काफी कूल कपल थे। वरुण ने आज तक स्मृति की कोई बात इवन जिद तक को मना नहीं किया, लेकिन आज वो स्मृति के लाख मनाने पर भी मान ही नहीं रहा था। रीजन था 2 साल पहले का एक इंसिडेंट। वरुण स्मृति अपने एक दोस्त की शादी में जयपुर गए थे, वहां बाकी सारे दोस्त भी मिले एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ गेट टुगेदर। हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर शादी, हर फंक्शन सबने खूब इंजॉय किया, ढेर सारी फोटोज क्लिक हुई। स्मृति अपनी डिजाइनर ड्रेस फ्लॉन्ट कर रही थी और स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर वरुण से अपनी फोटोज क्लिक करवा रही थी। वरुण इधर से ये पूरी ड्रेस दिखनी चाहिए। एक काम करो, एक मिनट, लेफ्ट साइड से फोटो क्लिक करो। स्मृति ने जैसे कहा वैसे ही वरुण उसकी फोटोज क्लिक करने लगा कि तभी न जाने कहां से रूबी आ गई और उसने वरुण को जोर से काट लिया। उस रात एक वाइट कलर की क्यूट पपी रूबी वरुण की लाइफ का ट्रॉमा बन गई। वैसे तो वरुण का हमेशा से डॉग्स की तरफ झुकाव था एंड ही ऑलवेज वांटेड टू अडॉप्ट वन, लेकिन रूबी के काटने से वरुण का कॉन्फिडेंस और प्यार दोनों का लेवल एक ही पल में गिर गया। आज इस किस्से को 2 साल हो गए। उस रात के बाद वरुण को जहां भी कोई डॉग पपी दिखा वरुण ने उस जगह से भागना ही सही समझा। वरुण यार प्लीज, रोहिणी से मैंने कितनी रिक्वेस्ट की है तब जाके वो अपने एक पपी को देने के लिए रेडी हुई है। प्लीज मेरा बहुत मन है, हमें रखना चाहिए उसे अपने पास। और आई प्रॉमिस जो हुआ पास्ट में वो अब नहीं होगा, तुम ट्रस्ट तो करो प्लीज। वरुण के सामने 2 ऑप्शंस थे, स्मृति की जिद जो वो अब ज्यादा दिन और नहीं टाल सकता था, और दूसरा ये कि वो अपने हॉन्टेड पास्ट को ही आगे लेकर जाए। वरुण ने बहुत सोचा और फाइनली स्मृति को अपना डिसीजन बताया। स्मृति, आई हैव मेड माय माइंड एंड आई थिंक तुम सही थी, वी शुड अडॉप्ट अ पपी। वरुण के इतना कहते ही स्मृति ने झट से अपनी फ्रेंड रोहिणी को कॉल लगाया और उनके घर शेरू आया और ऐसे हुई इनकी पपी एंडिंग। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय वर्तिका, मिक्स्ड बाय अंकित और वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय अर्पण। आवाज है मेरी यानी रघु रफ्तार की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और FeverFM Official। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं।